नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरुआत करने से पहले तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ दोस्तों नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार सहित। जैसा कि दोस्तों आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मेरी आज साफ सफाई से चल रहा। सुबह सुबह मैं धोना धाना कर रही हूँ दोस्तों। मैंने कहा पहले धोना धाना कर लेती हूँ, क्योंकि आज खाना पीना बनाना नहीं है, सबका व्रत है। तो दोस्तों उसके बाद हमने जाना है मंदिर। आज मंदिर में हमने कीर्तन रख रखा है, तो पूरी टीम जाएगी हमारी, तो वहाँ भी जाना है। तो सोच रहे फटाफट काम हो जाए तो मंदिर में जाके थोड़ा कीर्तन भजन कर ले। अब दोस्तों नवरात्रि लगी है, तो आजकल तो रोज कीर्तन का ही होगा, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे ही रहेगा। और नवरात्रि में पता भी नहीं लगता दोस्तों कि कब दिन बीत गया, लगता ही नहीं हमारा व्रत है, क्योंकि हम कीर्तनों में ही रहते हैं, तो टाइम का ही नहीं पता लगता हमको। मैं पूरा व्रत ले आई रहते गा। हाँ, और ये डब्बा धो के रखा है मैंने। चल बैठ, वहां पर सामान दे रही तेरे को। दोस्तों अंकित बोरा हरेला, और अंकित ने मंदिर सजा के तैयार कर दिया है। ये फूल भी लाएगा, और क्या, आम के पत्ते वत्ते लाने, इसने बहुत काम करना है आज। इनकी लड़ाई हो रही है और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। भैंस का किसने कहा? गाय का दही वहां से मांग लाना। किसने कहा भैंस का? ये जब ये बोल रही थी तभी मैंने बोला। पैकेट वाला है वो, डेयरी से है, वही होता है, मिक्स होता है भैंस का। तो भैंस का क्यों कह रहा, मिक्स बोलो। मोस्ट ऑफ टाइम हम भैंस का आधा रोट का। एक मिनट, तो तुम्हें नहीं पता ना एग्जैक्टली किसका है? ये तेरा डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट नहीं, मैंने छोड़ दिया। सफाई का काम हमने हो गया, हो गया। तो छोड़ चली काला ढूंगी दे दिल्ली नगर। भगवान का नाम लेकर बहुत बात होती, अंट संट गाने गा रहे अल्लाह बल्ला। कभी तो मेरे घर आना मेरी दुर्गा भवानी। आ तो गई मेरे रूप में, मेरे रूप में आ तो गई। तेरे रूप में दुर्गा भवानी। अरे मम्मी लिचड़ है, लिचड़ जड़ पकड़ेगा तभी तो नीचे को। कब आएगी अकल अंकित को? छेक मम्मी ने करना जरूर है। बाकी लोग जो बाकी देश में बोया जाता है, उसमें जो कलश की स्थापना करी जाती है, उसके चारों ओर ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे मीन्स जो, और हम पहाड़ियों में थोड़ा दूसरी तरीके का बोलते हैं। हम पहली बात तो उसके जवारे नहीं बोलते, और हम केवल जौ नहीं बोलते आज, हम जौ के साथ ये मोटी वाली जो राई है, लाई बड़ी वाली पीली वाली होती है, इसको बोलते हैं राड़ा बोलते हैं हम लोग। और हम लोग इसको दो भागों में करते हैं, एक भैरव के लिए, एक भगवती के लिए। ज्यादा ज्यादा बीज डालना, कंजूसी मत करना। पिछले बार इसने इतना डाला, वो भी बचा लिया। प्रिया महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत आता है ना, तुझे गाके सुना तो कैसा होता है? क्यों? मैंने सुबह भजन डाउनलोड करे और सुबह से चलाए। भजन है चूड़ी बिल्ली टाइप के, कभी रामा मैं सीता बन के आई पर्वत से आ जाऊंगी। जो भी जो आता वो चलाया था, नहीं चलाया था। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिन ते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरी कुटुंबिनी भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी मुझे बस एक ही आता है। मैं पता है मुझे आता पूरा है, लेकिन श्लोक आगे पीछे हो जाते हैं मेरे। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटब गंजिनी कैटब भंजिनी दासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुत। कहाँ से लाया तेरा ये मासूम बच्चा, कहाँ से लाएगा तेरा सड़ी सी सकल। अच्छा, ना मासूम है, कूट कूट के भरी है ना। हाँ बिल्कुल, इतनी कूट के भरी है कि पूछो मत। लग रहा नहीं मासूम में, बस हाउ इनोसेंट आई। बस बस, ये मंदिर हमारा सच चुका है। और मम्मी लोग पता है भजन क्या गाते हैं? मंदिर में मैया भगते से झगड़ी, तू क्यों नहीं लाया रे सोने की तगड़ी। इनके भजन होते हैं प्रिया। तो क्या हुआ? मैया लड़ेगी झगड़ेगी इनसे तो झगड़ सकती है मैया। करोड़ों ब्रह्मांड की मालकिन इनकी तकड़ी के लिए मर रही हो। पहले गाया, मैं गाती हूं। पहले तो तू भी गाया करती थी, तेरी छाप औरतें गाती थी, मम्मी छाप औरतें, मम्मी ब्रांड जो औरतें होती है ना। अभी नीचे मैंने मंदिर जरा सा शिफ्ट करा है, और ये जो माता जी है, हमको माता की सीनरी, ये हमको मम्मी की एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, क्या नाम है, पूजा टमटा जी, उन्होंने दी थी। तो दोस्तों हरेला अंकित ने बो दिया, उसे बता दिया कैसे कैसे बोना है। तो हरेला बोने के बाद मैं किचन में आ गई दोस्तों। अब मैंने पहले तो प्रसाद भूनना है दोस्तों, प्रसाद के हलवा बनाना मैया का भोग। तो मैंने कढ़ाई रख दी गैस में, कढ़ाई गर्म हो रही, उसके बाद मैं इसमें घी डालूंगी। और दोस्तों ये दूध मंगाया, अब ये बोतल खोल ली, बोतल नहीं खुल रही। मैं अंकित से कह रही इसे खोल दे।
तो अंकित से मेरे का बार टाइट हो रहा, कह रहा कहाँ हो रहा ढक्कन टाइट, पर दोस्तों मेरे हाथ काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे हाथ में परसों सॉरी बारिश वाले दिन लगी थी, दरवाजे से कटा था ना तो तब दर्द हो रही थी इसलिए। और दोस्तों इधर दूध रख दिया मैंने क्योंकि मैं सोच रही दही भी जमा दूंगी, शाम को पूरी का रायता बनाऊंगी, इधर मेरी कढ़ाई भी गर्म होगी और मैं इसमें घी डाल के सूजी भून लेती हूँ। दोस्तों घी भी मैंने फ्रिज में रखा था, फ्रिज में भी नहीं फ्रीजर में, तो ये ऐसा जम गया निकल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ मैं सूजी भून रही हूँ, सूजी हलवा बनाना है। दोस्तों मैंने वैसे तो हलवा बना के मैया को भोग लगाना है, हमने बोला था पर हमने लगाया नहीं था पिछले बार, ऐसे ही हो गया तो इस बार लगा रहे। अब ये बन जाएगा तो प्रसाद मैं और प्रिया जाएंगे, अंकित और तारा शोभा सब मंदिर चले गए हैं, वहाँ ध्यान देना घर में, चलो यहाँ बैठो बेल्दी मैं मार दूंगी। दोस्तों मैं और प्रिया पहुंच गए मंदिर और बाकी सब साथ वाले पहले ही पहुंच गए थे। नमस्कार आंटी, नमस्कार। नमस्कार, अभी अभी मेरी फोटो ले रहे हो? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर दिया भाई सिंगार मैया का, कुछ हम भी हाथ लगाए। क्यों तो भाई तुम घर के नहीं आए मैडम? क्यों यहाँ बुला रखा था घर, क्या करती? जहाँ बुलाओगे वहीं तो आएंगे। वो अपना अलग लाए हैं। हाँ वो मुझे मालूम है, वो अपना अलग लाए हैं। वो कह रहे क्या चीज़ है, तब मैं कह रही पूजा के समय आता है ना कमल गट्टा। अरे अरे फिर क्यों घी के लिए तुमने मुझसे ही कह देते, घी मैं दे देती। अरे घी था कह रही हूँ। हाँ? पर जब घी से पकाया ना बाद में और डाल। अरे ये बत्ती तुमने घर में बनाई है? बाजार की है। माचिस में मेरे थैले में एक धूप का पैकेट उसके अंदर है। तो वही मैया का श्रृंगार हो गया और यहाँ सजा दिया है मंदिर मैया का। बड़े घूम रहे थे, बहुत केवल लगा रहे थे, स्टेटस देख रही थी, मैंने कहा मजा आ रहा है भैया। बड़ा प्यारा लग रहा था सीन देख देख के ना समुद्र में। हाँ घूमने भी चले जाओ। अरे घर से फुर्सती कहाँ मिले, सही कह रहे हो। नमस्कार हो, नमस्कार, आपको भी नवरात्रि की भी बधाई हो, नए साल की भी बधाई हो। यहाँ चल रही प्रिया की मेहनत। यहाँ आंटी बांट रही प्रसाद सबको, हलवा पूरी, हलवा पूरी तो पूरी तो नहीं है, यहाँ सबको बट गया और सब प्रोग्राम खत्म, अब सब चल दिए घर को। किस अभी पूरे कैसे आए पहला दिन है? हाँ नारियल है शायद।
बस में डाल देते ना ना, हाँ यूट्यूब में डाल देते हैं, यूट्यूब में टीवी में यूट्यूब में भी चाना करा दूँ। हाँ ये करो यार, मैं नीला हूँ ना, यशी भाई ना ना। अरे कैसी बात कर दी, पगल जाए जानो पर हम भजाओ दिल्ली में कुछ होगा, हम उनका जखो हुई तुमने सिंगार करना ना। चलो घर को चलो, तुम्हारा फोन होता तुमको भेज देते, भेज देते तभी तुम देख लेते। आओ कीर्तन हुए समाप्त, सब चले गए अपने घर को, हम दोबारा कीर्तन करा, हम सॉरी हमने दोबारा कीर्तन करा दोस्तों। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, अब हम चार जने हैं, पांच और आ गए थे भक्त लोग। हाँ भक्त तो लोग और आ गए थे, फिर और हो गए चार पांच कीर्तन, पाँच। हाँ तुझे आ जा दोस्तों, प्रिया कह रही मेरी मम्मी खाना नहीं देती है, तो मैं कह रही प्रिया को कोई गोद ले लो। हाँ भाई खाना खाने आ जाना, गोद ले लो, गोद छोटे बच्चे को लिया जाता है। नहीं नहीं प्रिया को ले लो, पला पला बेटा मिल जाएगा मम्मी का। हाँ तो फिर हम नौकरी करने वाला। हाँ तो सही है, पालने की जरूरत पड़ेगी, मतलब प्रिया को भी दे दे रहे हम। प्रिया भी कह रही है मेरी, यहाँ ले ले, यहाँ रहा करके ना गंदी भाई, यहाँ 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 इधर ले, सब तेरे को भी दूंगी। ना मैं नहीं खिला रही, चिंटू भी बहुत, अरे चिंटू नहीं मम्मी, अरे चिंटू बहुत तेज है। अरे दे दो ना नीचे इनको, क्या तुम कैच करा रहे हो, वही तो ये ना मम्मी। खत्म, अब नहीं है, खत्म चिंटी मिट्टी खत्म, जा भूखे लो पिंडू, मिलते हैं कल, मिलेंगे ठीक है, ना ना कहीं नहीं जाना है, कल मिलेंगे ठीक छो। और प्रिया मैडम कह रही मेरा फोटो शूट करो, फोटो शूट कर दीजिए प्लीज। खाना खाना लाओ, तो दोस्तों आज बनाई है मैंने आलू टमाटर की सब्जी, बूंदी का रायता, पूरी और हलवा। हलवा तो हमने दिन में बनाया था, मैया को भोग लगाया था, तो इसलिए हम प्रसाद अब लाए हैं, अब चखेंगे भाई दिन भर। तो ये है आज का खाना हमारा,